माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगी हुक लगाना। तो देखिए इसमें हम हुक के लिए परफेक्ट मार्किंग कैसे करेंगे। ये है आई वाली पट्टी और ये है हुक वाली पट्टी। सबसे पहले हम आई वाली पट्टी के ऊपर मार्किंग करेंगे, तो एक मार्किंग हम ऊपर और नीचे करेंगे। परफेक्ट हुक लगाने और परफेक्ट आई कैसे लगाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले ऊपर और नीचे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम मार्किंग करेंगे ये जो प्लेट्स आई है यहाँ पे और एक जो यहाँ पे बेल्ट हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो मार्किंग होने के बाद में उसके बाद में हम मार्किंग करेंगे इन दोनों के बीच में गेप आ रहा है और एक यहाँ पे गेप आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मार्किंग का वो टोटल हो चुकी है। हुक आई बनानी है, सॉरी आई बनानी है आपको। तो आई आपको जस्ट इस पट्टी के पास में ही यहाँ पर बनानी है कॉर्नर पर, ठीक है, जहाँ पे आपकी सिलाई हुई है पहली जो सिलाई की आपने उस पर करनी है, ठीक है। फिर आपको आई की पट्टी को इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। तो आपकी आई की हुक की पट्टी को आप इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे तो मार्किंग हो जाएगी आपकी हुक की पट्टी पे भी। आप इसको डार्क कर लेना, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और फिर देखें यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको परफेक्ट आई बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे आई, आई करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने डबल तागे को पिरो लिया है, ठीक है, यानी तागा मेरा डबल है, यानी इसको मैंने सिंगल पिरोया है तब ये डबल हुआ है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो या आप डबल तागे को पिरो के, यानी जब चौबल तागा आपका हो जाता है, ठीक है, उससे भी आप आई बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल से आपको बता रही हूँ, मैंने इस तरीके से गांठ लगा दी है नीचे तागे के। और अब देखिए अब हम इसको इस तरीके से नीचे से सुई को निकालेंगे, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे इस तरीके से जितनी हमने मार्किंग की है छोटी आई बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे। और इस तरीके से हम इसको सुई को यहाँ पे निकालेंगे। तो जितना निशान मार्किंग हमारा हुआ है उस मार्किंग के ऊपर भी हम इस तागे को रखेंगे और फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे इस तरीके से। और फिर से हम इसके ऊपर जितनी हमने पहले वाली रखी थी उस हिसाब से डालेंगे। तो ये मैंने डबल तागे से किया है, तो इस तरीके से ये मेरा दो बार फोल्ड हो चुका है तागा, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको एक बार और कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो बार तो तागे को निकाल लिया है, एक बार और निकाल लेती हूँ इस तरीके से। और अब ये यहाँ से हम इसको फिर से, तो ये मैंने तीन बार इसको डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। और अब हम इसकी आई बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको एक राउंड घुमाना है तागे का, ठीक है, और फिर देखिए आपको इस तरीके से इसमें से निकालना है। और आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ही नीचे गांठ लगनी शुरू हो जाएगी, तो डॉट लगनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। और आपको आपको इसी तरीके से घुमाना है। देखिए और इसी तरीके से आपको पूरी आई के अंदर ये प्रोसेस करना है, घुमाते जाना है और ऐसे ऑटोमेटिकली जो गांठ है वो लगती जाएगी, ठीक है, और आपकी आई बनती जाएगी। तो अब देखिए फिर से आपको इसी तरीके से करना है। और फिर से आपको इसी तरीके की प्रोसेस करना है जब तक यहाँ तक ऊपर तक ये आपका जो मार्किंग आप मतलब आप डॉट करते हो ये ऊपर सुई जो तागा आपका ऊपर तक नहीं आ जाता, आपको तब तक करना है, ठीक है। और ये शायद ब्लैक तागा है इसलिए आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा।
तो यहाँ पे देखिए ये मेरी आई बन चुकी है। आई ज़्यादा मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है, ठीक है, एकदम बीच साइज की आई है। ये ब्लैक धागा है शायद इसीलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। और आप फिर देखिए ये ऊपर आने के बाद में आपको सुई को इस तरीके से नीचे करना है, ठीक है, इस तरीके से नीचे करना है। और फिर नीचे से आपको इस पर, आप चाहे तो इस पर गांठ लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो, या फिर आप जो तागा है उसको आप कंटिन्यू चला सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये तागे को कंटिन्यू नहीं करती और इस तरीके से डॉट लगा देती हूँ। और बाद में दो तीन डॉट लगाने के बाद में इस तरीके से कैंची से कट कर लेती हूँ। और फिर मैं नई आई बनाऊँगी इस मार्किंग के ऊपर, तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं हुक लगा के भी बताती हूँ किस तरीके से आपको हुक लगाना है। तो ये यहाँ पे मार्किंग है, इस मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे हुक को रखेंगे, ठीक है। यानी आपका हुक ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, बीच में भी नहीं, और इस तरीके से होना चाहिए। पट्टी के सिर्फ थोड़ा सा नीचे रखना है आपको हुक को, और यहाँ पे तागा आपका डबल होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ से हुक को इस तरीके से सिलेंगे तागे के अंदर, और इस तरीके से आपको ऊपर से हुक को पकड़ना है, ठीक है, ताकि आपका हुक है वो हिले नहीं बिल्कुल। और आपको इसी तरीके से सिलाई करनी है इसके हुक की। और यहाँ से भी आपको इस तरीके से सिलना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने हुक को नीचे से सिल लिया है। अब ऊपर से सिलना है, तो आपको सबसे पहले इस हुक के अंदर से आपको यहाँ से निकालना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर निकालेंगे और फिर यहाँ से हम इसको सिलेंगे। तो आपको इस तरीके से करना है, सुई को आपको इसमें से निकालना है, देखिए इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक आपके जो ऊपर से हुक है वो सिलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको इस पे यहाँ पे डॉट लगा देनी है दो तीन बार। तो यहाँ पे देखिए आपका हुक है वो सिल चुका है ऊपर से, और ये हुक भी नहीं निकलेगा। और कई कई बार हुक निकल जाते हैं ब्लाउज़ के, तो आप इस तरीके से लगाइए, आपके एकदम परफेक्ट रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ से कट कर सकते हो, या फिर आप इस तागे को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं तागे को कंटिन्यू कर नहीं करूँगी और इसी तरीके से लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा हुक है वो लग चुका है। तो आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये तरीका कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।